आई होप यू आर सेफ एंड ट्राइंग टू स्टे इंडोर्स. न्यूज़ जो है वो तो सभी को पता ही है, एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू कीप यू अपडेटेड अबाउट जो भी यहाँ पे हो रहा है, मोस्टली इन कैनेडा एंड क्यूबेक. आज हम दोनों ने सोचा कि थोड़ा पॉजिटिव बातें करते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक बातें करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत नेगेटिव न्यूज़, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है एंड काफ़ी डिप्रेसिंग हो रहा है सिचुएशन. सो लेट्स टॉक समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे एंड समथिंग एंटरटेनिंग टुडे. आज हम लोग बात करेंगे मोस्टली अबाउट किड्स एक्टिविटीज़. जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो पता ही होंगे कि इस फेज में बच्चों को एंगेज रखना घर पे ऑल द टाइम इज़ रियली अ चैलेंजिंग जॉब एट टाइम्स. एंड बच्चे क्या है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर किड्स आर ऑलरेडी बोर्ड उनके जो भी पुराने गेम्स हैं उससे. सो मैंने और रूता ने काफ़ी सारे न्यू एक्टिविटीज़ हमारे घर पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए हैं टू आवर किड्स एंड दे आर एंजॉइंग इट. सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज टुडे. और पहले ही आपको बोल देते हैं कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट में आपको दिखाएंगे. आज थोड़े एक्टिविटीज़ दिखाएंगे एंड इन द अपकमिंग एपिसोड्स वी विल शो यू सम मोर एक्टिविटीज़. सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल मॉन्ट्रियल मैटनी सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज सून एज वी अपलोड द वीडियोस. एंड एज यू नो, लाइक बच्चों को अंदर रखना घर में, उनका जो भी खेलना था, बाहर जाना था, पार्क में जाना था, फ्रेंड्स के साथ खेलना था, या तो कोई भी एक्टिविटीज, जैसे मेरी बच्ची शी इज 3 इयर्स ऑफ एज, उनको हम लेके जाते थे फॉर डांसिंग एंड स्विमिंग. आई एम श्योर आप भी आपके अपने बच्चों को लेके जाते होंगे टू परस्यू देयर हॉबीज. सो वो सब अभी बंद है. सो घर में ही हमको सोचना पड़ रहा है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ रहा है कि कैसे इनको एंगेज रख सके. एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड वी डिडंट हैव टाइम टू गो आउट, और नॉट इवन द टाइम, रादर द चांस टू गो आउट एंड बाय स्टफ्स टू प्रिपेयर ऑल दोज ऑल दिस एक्टिविटीज जो हम आपको दिखाएंगे. सो मोस्ट ऑफ द स्टफ्स आर अवेलेबल हाउस होल्ड में, एंड बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिनसे हमने एक्टिविटीज बनाए हैं टू मेक इट ईजी फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज एंटरटेनिंग फॉर द किड्स. सो आइए चलिए और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे. I've taken some pages, a sellotape and one scissor. That's all we need here. आप देख सकते हैं हम ऐसे small tunnels बना सकते हैं. मैंने पेज के एक साइड पे sellotapes लगा दिए थे ताकि थोड़ा ये stiff हो जाए और ऐसे tunnels बन पाए. With the help of sellotape, I've put them on the floor. You can also put it on the table. And ऐसे बच्चे यहाँ पे ऐसे car racing खेल सकते हैं, या तो they can play with small balls. You can also put numbers to make them a bit interesting if you have more than one kid at home. They can both play together. ये जो सेकेंड एक्टिविटी है, यू कैन सी इट्स रियली ईजी. आई हैव टेकन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, मोस्टली हमारे घर पे होते ही है. रादर देन थ्रोइंग देम, वी कैन मेक द नेसेसरी कट्स एंड ऐसे इसको एक मिनी गोल्फ जैसा लुक दे सकते हैं, और नहीं तो बैट बॉल जोन या कोई भी स्टिक बॉल जोन काइंड ऑफ हम घर में ही बना सकते हैं. एंड किड्स कैन प्ले विद दिस काइंड ऑफ स्टफ्स ऑल्सो. द थर्ड एक्टिविटी जो है, वी विल डू इट विद कलर्स, वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, जो भी है. एंड वी नीड स्ट्रिंग, सुई धागा तो सबके घर में होते ही है. सो एज यू कैन सी, आई हैव डिप्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग इन कलर, एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग यू कैन होल्ड इट विद अदर हैंड. एंड ऐसे हम लोग एक छोटा सा पेपर ले रहे हैं और वी आर पुटिंग सम प्रेशर, लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन दैट पेपर. And we are holding the dry end of the string with the other hand. और ऐसे ही थोड़ा प्रेशर देने के बाद, we have to just pull the string. And if you can remove the paper, you will see there is a design. So it's really interesting for the kids, and it's a very good time pass also. You can actually make nice cards, handmade cards. दूसरे वाला मैंने एक और कलर में, I have soaked the string. And as you can see, I'm taking help from my daughter. And we are doing this activity together. So this way we keep on doing till the card is filled. इसमें आप थोड़ा brush painting भी introduce कर सकते हैं. Brush painting, I guess everybody knows. So you can make a beautiful card or do some painting activity with these colors also. So as you can see, little bit of pressure. And you release the pressure and just
pull the string with the other hand and then remove the paper. That's it. So this part of the video was from my house. जो भी activities मैंने introduce किया है मेरे घर पे, ऐसे काफी सारे और activities हैं. रुता ने भी अपने बेटी के लिए काफी सारे activities घर पे introduce किया है, and she will continue the video from here. So जैसे पहले बोला था आपको कि we will continue giving you more updates about this kind of activities in our upcoming videos. So आज मैंने आपको 3 activities दिखाए हैं already, and Ruta will also show you 3 more activities. हेलो, आज मैं आपको 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ. फर्स्ट है स्पिन द व्हील. उस पर चलने से पहले मैं बता दूँ कि मैं अपने घर में ही बैठी हूँ, कहीं भी बाहर नहीं हूँ, जस्ट बालकनी में वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जो है स्पिन द व्हील, ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से. और आप इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं. जैसे कलर चार्ट किया है मैंने और पीछे नंबर्स किया है, तो आप इसको ऐसे स्पिन करेंगे, इस तरह से स्पिन करेंगे, तो ये स्ट्रिंग के वहाँ जो भी कलर आके रुकता है, जैसे ब्राउन रुका है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं विच कलर इज दिस, आइडेंटिफाई द कलर. सिमिलरली आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं. इसके अलावा भी इसमें काउंटिंग के लिए आप बना सकते हैं शीट्स, वो अटैच कर सकते हैं. तो ये बनाने का तरीका तो बहुत ईजी है. वैसे मैं घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. मैंने जो यूज़ की है वो है नॉर्मल A4 साइज का पेपर, जिसको मैंने राउंड इसमें कट कर लिया है, राउंड शेप में. एक पेपर प्लेट एंड कलर्स एंड पेंस. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा इसके लिए. हाँ, इसके अलावा आपको लगेगा इसको अटैच करने के लिए. मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ईयरबड. ईयरबड सभी के यहाँ होते हैं, वो तो उसे आप इसको अटैच कर सकते हैं. और ये स्ट्रिंग, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है बनाने के लिए और बहुत इफ़ेक्टिव भी है. आप एक बार ये बनाइए और फिर सिर्फ आपको ये इस साइज़ का पेपर कट करके और अलग अलग एक्टिविटीज़ इस पर जस्ट अटैच करनी होंगी, और कुछ नहीं करना होगा. तो ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई. अभी जो टॉडलर्स हैं उनको आप कैसे एंगेज कर सकते हैं, तो वो भी है. जैसे स्पिन द व्हील, इसमें आप देख सकते हैं जैसे हॉप लाइक अ फ्रॉग, या टेल योर बॉडी, नेम योर बॉडी पार्ट्स, या सिंग राइम, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ मैंने मेंशन की है. तो आप अपने बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं और वो मेंशन कर सकते हैं, और वो जस्ट आप स्पिन कीजिए व्हील को, जहाँ भी वो स्ट्रिंग के वहाँ जो भी एक्टिविटी आती है वो आप बच्चों को करने के लिए बोल दीजिए. तो काफ़ी टाइम बच्चों का एंगेज होता है, प्लस वो लैपटॉप और मोबाइल्स में जो बिजी रहते हैं उससे थोड़ा सा हट सकते हैं इसमें. प्लस इसमें आप जो बड़े बच्चे जिनको समझता है उनको आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने ये सारी एक्टिविटीज सही की तो मे बी आपको इतनी देर के लिए टीवी देखने को मिलेगा, या इतनी देर के लिए लैपटॉप देखने को मिलेगा, वॉट एवर. तो इस तरह से आप स्क्रीन टाइम लिमिट भी कर सकते हैं. तो ये पहली एक्टिविटी थी. नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है पेंटिंग. अब आप बोलेंगे पेंटिंग में आप क्या अलग बताने वाली हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, और सभी लोग कुछ ना कुछ तो ड्रॉ पेंट कर ही लेते हैं. बट मैं अभी जो बताने वाली हूँ वो ऐसा है कि ऑनलाइन आपको फ्री कुछ कोर्सेज मिल रहे हैं जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है. तो ये पेंटिंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग, स्केचिंग, इससे रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं. और जो आर्टिस्ट्स हैं वो बहुत अलग अलग ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है. तो ऐसे आर्टिस्ट्स हैं, और अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन लेसन्स मिल रहे हैं. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं अब कि ये क्या है. ये जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इन्हें हमने एज ग्रुप्स के हिसाब से क्लासिफाई किया है. पहला है 6 इयर्स प्लस. उसमें जो कोर्स नेम अवेलेबल है वो है ऑर्गेनिक आर्ट. और इसमें मेन बात ये है कि आपको कोई आर्ट सप्लाईज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बच्चे अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो उनको पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प लग सकती है. नेक्स्ट एज ग्रुप इज़ 12 इयर्स प्लस. ये सारे कोर्सेज जो आप देख रहे हैं ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है. अगेन, इसमें अगर बच्चे अकेले कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प लग सकती है, अदरवाइज़ आप पेरेंट्स एंड किड्स
साथ में बैठ के भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये कौन ऑफर कर रहा है और इसको आप ऑनलाइन कैसे फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज इंटरनेशनल फाइन आर्ट अकेडमी आपको ऑफर कर रहा है और आप ये चार स्टेप्स आपको आप देख ही रहे होंगे, बहुत सिंपल है। पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए इनकी वेबसाइट पे, उसके बाद जो कोर्स नेम आपको सीखना है, जो कोर्स सीखना है उसका नाम पे क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए। इसके बाद आपको वो कोर्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। नॉर्मली ये कोर्सेज फ्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर अभी के लिए ये फ्री ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये डिफरेंट आर्टिस्ट दे रहे हैं लेसन्स इनके, और सारे लेसन्स जो हैं वो प्री रिकॉर्डेड लेसन्स हैं। तो आप अपने टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, इंडिविजुअली तो कर ही सकते हैं और फैमिली के साथ भी एक फ़न एक्टिविटी होती है। तो आप अगर कोई भी कोर्स इनमें से आप अगर इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आप डेफिनेटली इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है हमारा बोर्ड गेम। इस बोर्ड गेम के तो वैसे बहुत सारे नाम हैं और इंडिया में काफ़ी पॉपुलर गेम है जो बच्चे समर वेकेशंस में खेलते थे। इसको अष्टचंग पे, अष्टचम्मा, चौका बारा कुछ भी कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसको कहा जाता है नाम से। तो चलिए इसके रूल्स में आप जिनको नहीं पता है, जिसके लिए न्यू गेम है, उनके लिए मैं रूल्स बता देती हूँ और रूल्स के साथ साथ हमने इसमें कुछ फन एलिमेंट्स डाले हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ कि क्या है। इसको खेलने के लिए हमें चार प्लेयर्स की ज़रूरत होती है और ईच प्लेयर गेट्स फोर टोकन्स, लाइक चार चार टोकन्स मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ राजमा, कॉइन्स, मैच स्टिक्स ये यूज़ किए हैं। तो इससे आप घर में जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे शर्ट के बटन्स या और भी कुछ, जैसे चने एक्सेट्रा। डाइस की जगह यहाँ ये शेल्स यूज़ होती हैं, मैंने पिस्ता की शेल्स ली हैं जो इजीली सभी के यहाँ अवेलेबल होती है, ये डाइस का काम करते हैं। तो रूल्स की तरफ बढ़े तो हमें फॉर एग्जाम्पल ये प्लेयर है पूरा यहाँ से स्टार्ट करके और ये फाइनल डेस्टिनेशन में जाना है। तो हर एक प्लेयर अपने लेफ्ट वाले कॉलम से अंदर की तरफ जाएगा और इस तरह डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। पर डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आप ये यूज करेंगे, पहले तो गेम चालू होगा इफ अगर आपको सारे फोर और एट आए। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इसको इसमें फोर माना जाता है और इफ इट इज द अदर वे राउंड देन उसे आठ एट की तरह माना जाता है। तो अगर ये आए तो ही आप फर्स्ट मूव कर सकते हैं जब गेम स्टार्ट होता है तब। तो इसके बाद फिर जो भी आपके डाइस के हिसाब से नंबर आएंगे, जैसे दो हैं तो फिर एट एंड टू, तो एट में आपने शुरू किया है एंड वन एंड टू, इस तरह से सब आप आगे चलते जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अब इसमें अगर आप किसी और प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन यहां है अभी और ये मैच स्टिक भी अगर यहां पहुंच जाती है सेम इसमें, तो इसका मतलब होता है यू हैव हिट ऑन इट, सो इट गोज बैक अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे और देन ये वाले प्लेयर को एक और टर्न मिलती है। तो इस तरह से आप सारा कुछ खेल के आगे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जिस भी प्लेयर के सारे टोकन्स पहले डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं वो विनर होता है। तो ये तो रूल्स की बात हो गई। अब इसमें हमने फन एलिमेंट क्या डाला है, ये नॉर्मली तो बहुत लंबा चलता है गेम, तो इसीलिए हमने जैसे इसमें डाला है कि गो बैक टू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉइन इस बॉक्स में आता है तो इसमें लिखा है गो बैक टू स्टार्ट, सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट। और एल्स इस बॉक्स में अगर आता है तो इस बॉक्स में लिखा है डू एज पर योर ओपोनेंट सेज। तो ये जिसका भी टोकन है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन यहां है, इसका ओपोनेंट इज दिस जो ऑपोजिट साइड में बैठा है, तो वो जो बोल रहा है उसे आपको करना है। इस तरह से हमने काफी सारी काफी एक्टिविटीज इसमें हम लिख सकते हैं इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और अगर बच्चे खेल रहे हैं, अडल्ट्स के लिए तो ये है ही, और अगर बच्चे भी खेल रहे हैं साथ में तो बच्चों के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेक एन एनिमल साउंड और एक्ट लाइक योर मॉम और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे सिंग योर फेवरेट सॉन्ग एक्सेट्रा।
तो इस तरह से इस गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और ये काफी टाइम तक चलता है, मतलब जब तक 3 प्लेयर्स के एटलीस्ट सारे टोकन्स फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुंचते तब तक ये गेम चलता रहता है। तो इसको इस तरह से एंटरटेनिंग बना सकते हैं और आपका टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो सकता है और बच्चे टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको सारी एक्टिविटीज बहुत पसंद आई होंगी और आप यूज करेंगे घर में बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए। और प्लीज घर पे रहिए, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहिए। अगर आपको एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर जाना भी पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश कीजिए एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक। और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।